आगे से स्टेयर से चढ़ेंगे, ऊपर तक जाएंगे। आपको पता होगा भगवान विष्णु का जो है 10 अवतार हैं, उसमें से 9वां अवतार बुद्ध अवतार है। इस स्तूप के बीच में जो है भगवान बुद्ध की आंखें हैं चारों साइड में, ऐसा लगता है कि उनकी आंखें चारों दिशाओं में देख रही है पूरा शहर को। इस जगह से जो है काठमांडू शहर का आपको पूरा व्यू दिखाई देता है, काफ़ी सुंदर है। हे व्हाट्सअप गाइस, आज 11 नवंबर शाम के बज रहे हैं 4:15 और अभी मेरा काठमांडू आया हुआ 5 दिन हो गया है। और अगर आप मेरा ब्लॉग देखते होंगे रेगुलर तो आपको पता होगा कि मैं चूँकि काम करता हूँ ऑफिस का, तो डेली घूम नहीं पाता। तो वैसे काठमांडू में तो बहुत जगह है घूमने के लिए, बहुत सारा जगह, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जगह जाकर देख लूँ और आप लोग को दिखाऊँ। तो स्वयंभू नाथ टेम्पल जो है एक बहुत ही फेमस जगह यहाँ का, जो कि बौद्धिस्ट टेम्पल है, बहुत पुराना। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। मैं थमेल एरिया में रह रहा हूँ अभी 5 दिन से एक हॉस्टल में, उसका भी मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा। तो ये थमेल एरिया है, यहाँ से देखते हैं कुछ लोकल गाड़ी मिलती है तो फिर हम आप वहाँ टेम्पल चलते हैं। उसके बाद किसी दिन हम जाएंगे कल या परसों पशुपतिनाथ टेम्पल, तो उसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। ये थमेल का मेन रोड है, थमेल एरिया का, देखते हैं कोई गाड़ी आती है। तो नेपाल में जो है ऐसा छोटा वाला मिनी बस भी चलता है, छोटा वाला टैक्सी, और बड़ा बस भी चलता है। नज़दीक नज़दीक जाने के लिए आप इससे जा सकते हो, या अगर आपको अच्छे से जाना है बैठ के तो यहाँ टैक्सी भी चलती है, प्राइवेट टैक्सी से भी आप जा सकते हो। काफ़ी मस्त वैन था यार, छोटा सा था मतलब एकदम, लेकिन उसमें ही पीछे में लोग कुछ कुछ कितने भरे हुए थे, सब खड़े होके झुक झुक के एकदम आ रहे थे। थैंक गॉड मुझे आगे रास्ता मिल गया। बट एनीवेज 25 रुपये में मैं पहुंच गया हूँ, 25 रुपये नेपाली मतलब 15 रुपया हो गया इंडियन। ये सामने से देखो कितना सुंदर है, एकदम गोल्ड कलर में भगवान बुद्ध बीच में है। अगर हम इसकी आर्किटेक्चर की बात करें तो आप देख सकते हो बीच बीच में जो है मोर का यहाँ पे मूर्ति जैसी कलाकृति की हुई है, फ्लावर्स मोर, और उसके बाद कुछ जानवर का भी है, शेर है, ह्यूमन है। मतलब बौद्ध धर्म जो हमेशा नेचर में बिलीव करता है, तो टेम्पल का आर्किटेक्चर में भी नीचे में नेचर को दिखाया गया है। यहाँ एक इंसान जो है इस चीज़ को थामे हुए है, तो काफ़ी सुंदर आर्किटेक्चर है इसका। रेड और गोल्डन कलर में जो है पेंटिंग की हुई है, ब्लू और वाइट के साथ मिक्स है। और सबसे अच्छा है यहाँ का पेड़ भी है बीच बीच में, तो यहाँ का एम्बियंस काफ़ी अच्छा है। पीछे से भी एक रास्ता आता है जो कि सीढ़ी से बनी हुई है, आप ट्रैक करके ऊपर आ सकते हो। लगभग 75 मीटर हाइट पे है ये, और आगे से जो रास्ता आता है टैक्सी से सीधा ऊपर आप पहुंच जाते हो, आपको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैंपस काफ़ी अच्छा है और मूर्ति जो है 67 फीट हाइट है इसकी। तो गाइस उस दिन जो है पीछे से हम आए थे, डायरेक्ट गाड़ी वहाँ तक ऊपर तक गई थी और हम जो है स्तूप नहीं देख पाए थे, तो आज हम इधर से आते हैं, आगे से स्टेयर से चढ़ेंगे ऊपर तक जाएंगे। इस टेम्पल को जो है स्वयंभूनाथ टेम्पल को मंकी टेम्पल ही बोलते हैं, इसका कारण आप समझ सकते हो। यहाँ देख लो, यहाँ बहुत सारे मंकी हैं, बहुत सारे, इस वजह से इसको मंकी टेम्पल बोलते हैं। यहाँ आपना तो काफ़ी सावधान रहना, आपके हाथ से भी छीन कर भाग सकता है ये सामान, बैग वैग कुछ भी लेकर भाग सकता है। सामने भगवान बुद्ध की 3 मूर्तियाँ बनी हुई है, आगे से भी स्तूप का डिजाइन है, और यहाँ बहुत छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। ऊपर चढ़ते हैं।
चले आप मोल चल लीजिए। अभी हम आधा दूर चढ़े हैं और भी ऊपर चढ़ाई है, सीधा रास्ता ऊपर तो जाता है। और यहाँ ही भगवान बुद्ध की तीन मूर्तियाँ बनी हुई है। इस जगह से सीढ़ी जो है एकदम बिल्कुल खड़ा है, एकदम सीधा स्ट्रेट लगता है, तो आपको ब्रेक ले लेकर आना पड़ेगा। अगर आपका एज हो चुका है या आप हेल्दी नहीं हो, फिट नहीं हो, तो बेटर है आप इधर से मत आओ, पीछे का रास्ते से डायरेक्ट गाड़ी जो है पीछे वाले दरवाजे पर तो पहुंचती है, वहां आप आ सकते हो। यहाँ एंट्रेंस टिकट भी है, 60 कंट्रीज़ के लिए 50 रुपीज़ है, नॉन 60 के लिए 200, मतलब इंडिया 60 कंट्रीज़ में आता है तो 50 रुपये आपको टिकट मिल जाएंगे, 50 रुपये नेपाली। धन्यवाद सर, ऐसा टिकट है। चेंज चेंज लेना भूल गया था मैं, थैंक यू। तो बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं, ये भी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का टेंपल है। ये सामने से गेट है मंदिर का। आपको पता होगा भगवान विष्णु का जो है 10 अवतार हैं, उसमें से 9वां अवतार बुद्ध अवतार हैं, इसलिए आप यहाँ तक भगवान बुद्ध को जो है विशेष नाम के साथ। यही कारण है कि हिंदू और बौद्ध धर्म जो है बहुत हद तक सिमिलर है और दोनों धर्म को मानने वाले लोग यहाँ आते हैं। ये काफ़ी बड़ा स्तूप है, काफ़ी बड़ा, और इतना बड़ा तो मैंने नहीं देखा था। इससे पहले मैंने स्तूप देखा है दार्जिलिंग में, और स्तूप के बीच में जो है भगवान बुद्ध की आंखें हैं चारों साइड में, ऐसा लगता है कि उनकी आंखें चारों दिशाओं में देख रही है पूरा शहर को। मंदिर के पिछले भाग में जो है या कहो सामने वाले भाग में इस तरह की छोटी छोटी मंदिर, छोटा छोटा बहुत सारा स्तूप बना हुआ है यहाँ पर। इससे पहले मैं काफ़ी बौद्ध मंदिर जा चुका हूँ, मुझे बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आप मेरा ब्लॉग फॉलो करते होंगे तो देखे होंगे कि मैं श्रीलंका में गया हूँ, मलेशिया में गया हूँ, इंडिया में दार्जिलिंग में, और अभी नेपाल का बौद्ध मंदिर। तो काफ़ी अच्छा लगता है बौद्ध मंदिर जाना। और एक चीज़ मैंने देखा है कि कहीं भी बौद्ध मंदिर में कैमरा जो है ऐसे मना नहीं करते कि पिक्चर विक्चर नहीं लेना है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हम आप लोग को भी दिखा पाते हैं। मैं आपको चाइनीज आर्किटेक्चर या कहो चाइना और उस तरफ के जो कंट्री हैं जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं उनका आर्किटेक्चर, जैसे कि मलेशिया में भी था और नेपाल के आर्किटेक्चर, दोनों में डिफरेंस मैं दिखाता हूँ। वो जो छत आप देख रहे हो लेफ्ट वाला, जिसमें कि इस तरह बना हुआ है, वो चाइनीज आर्किटेक्चर है, मोस्टली मलेशिया चाइना उस तरफ कोरिया वोरिया के कंट्री में आप उस तरह का देखोगे। और ये जो है ये आपको पहाड़ी आर्किटेक्चर है, जो कि नेपाली, खास करके नेपाल में आप इस तरह का देखोगे, इस तरह का मंदिर। और स्पेशली बौद्ध मंदिर जो है उसका आपको इस तरह का दिखाई देता है, एकदम सीधा। जैन मंदिर भी इसी तरह का होता है, और हमारा हिंदू मंदिर भी ऑलमोस्ट इसी स्टाइल में होता है, और नॉर्मल बौद्ध स्तूप जो है इस तरह का होता है। अगर हिस्ट्री के नज़रिए से देखें तो ये टेंपल काफ़ी पुराना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेंपल है ये बुद्धिस्ट टेंपल, और तिब्बती लोगों के लिए खास करके बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करें कि कब बना था ये, तो सबसे पहले 3rd century BC सम्राट अशोक के टाइम में जो है यहाँ पे पहला छोटा सा मंदिर बनाया गया था। बाद में जो है किसी वजह से जो है इसको तोड़ दिया गया, और उसके बाद 4th और 5th century
आफ्टर जीसस क्राइस्ट, उसके बाद ये टेम्पल बना था, फिर से दोबारा इसको बनाया गया। लेकिन वो बहुत छोटे रूप में था, बहुत छोटे रूप में था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंस था। यहाँ पे जो भी राज करते थे, चाहे नेपाल के राजा हो या उस तरह से इंडिया के राजा या फिर तिब्बती लोगों का जो भी था, वो लोग यहाँ आते थे। तो बहुत ही बड़ा एक पिलग्रिमेज साइट था ये। उसके बाद जो कहेंगे कि टेम्पल का जो इस तरह सबसे बड़ा रूप जो तैयार हुआ, जो कि बहुत बड़ा भव्य था, वो आज से 100 साल पहले 1921 में बनाया गया था। बौद्ध धर्म अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो यहाँ भी आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़ियम भी है और बहुत सारा बिल्डिंग जो है, जो कि लाइब्रेरी भी है, यहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन है यहाँ पे बौद्ध धर्म का, तो और माहौल बहुत अच्छा है। तो बौद्ध धर्म में अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये प्लेस भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है सिलेक्शन, यहाँ आकर कुछ दिन टाइम स्पेंड करने का। और एक चीज़ देखो, इनका जो श्लोक लिखा हुआ है, ओम बागेश्वरी मो ओम मणि पद्मे हों ओम वज्रपाणी हों, जो कि देवनागरी लिपि है, संस्कृत है, क्योंकि बौद्ध धर्म की शुरुआत जो हुई थी नेपाल से हुई थी और इंडिया से हुई थी, तो इनका जो है संस्कृत ही स्क्रिप्ट में है सब कुछ। इस जगह से जो है काठमांडू शहर का आपको पूरा व्यू दिखाई देता है, काफ़ी सुंदर है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही ब्लॉग में बताया कि काठमांडू जो है लगभग फ्लैट ही है नॉर्मल शहर की तरह, उसके आसपास माउंटेन्स हैं, इसीलिए जो ये सिटी काफ़ी बड़ा सिटी है, एक माउंटेन सिटी की तरह लगता नहीं है ये। चलिए पीछे से देखते हैं।